बीजेपी ने सतना लोकसभा सीट से एक बार फिर मौजूदा सांसद गणेश सिंह को टिकट दिया है। गणेश सिंह चार बार से सांसद हैं और पांचवी बार भी टिकट मिलने के बाद सबसे पहले वो मैयर में मां शारदा मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। गणेश सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला ने। हमारे साथ हैं सतना लोकसभा के लोकप्रिय सांसद गणेश सिंह जी, जो चार बार से सतना लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पांचवी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें सतना लोकसभा से रण में उतारा है। सांसद जी, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद आपका। अभी पूरे देश के अंदर राममय माहौल चल रहा है, ऐसे में किन मुद्दों के लेकर आप इस लोकसभा में जाने चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भारत जैसे देश में जहाँ 58% भूभाग में भाजपा का राज है, हमारी कई राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है और हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर ही चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है। उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, जिसमें देश का समग्र विकास जुड़ा हुआ है, सभी तरह के लोगों का विकास जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। ये जो अभी, क्योंकि आप चार बार से सत्ता लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, तो अभी ऐसे क्या एजेंडे हैं जिनको आप व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि चूंकि विंध्य क्षेत्र जो है अभी विकास की अपार संभावनाएं हैं, तो किन क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके मन में कसक है जो अभी होने लायक है? विंध्य क्षेत्र हमारा बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है और उनका और बेहतर क्या तरीका हो सकता है कि हम उपयोग करके इस क्षेत्र को और विकसित कर सकते हैं। उस दिशा में एक नई कल्पना को हम चाहते हैं कि जमीन पर उतारेंगे। जैसे सिंचाई के संसाधन, वो हमारे पास बाणसागर का पानी आज है, हमारे विंध्य के बहुत बड़े क्षेत्र में जा रहा है। अभी बरगी का भी पानी आने वाला है, मात्र 1.5 किलोमीटर हमारी कैनाल से बची है। उसके पूरा होने के बाद मुझे लगता है 24 जैसे जैसे हम पूरा करेंगे और हमारे पास बरगी का भी पानी आ जाएगा। इसके बाद रोडों का हमारे पास पर्याप्त नेटवर्क है, हमारे पास पर्यटन की दृष्टि से कई टाइगर सफारियाँ भी हैं, वाइट टाइगर हमने यहाँ बनाई है, बांधवगढ़ का ही है और बाणसागर जैसा हमारे पास बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। और इसी तरह से हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी और काफ़ी, जैसे विश्वविद्यालय रीवा का है, चित्तूर में खुल गया, यहाँ एक खुल गया और एक हम जरूर चाहते हैं कि IIT जैसे संस्थाएँ जो इस क्षेत्र में नहीं है उच्च शिक्षा के लिए IIT, तो उसको लाने का हमारा शुरू से प्रयास था और हम उस पर लगे हुए हैं, उसको हम लाए। एयर कनेक्टिविटी भी हमारे रीवा सतना से बढ़े और उधर उमरिया का जो हमारा हवाई अड्डा है, शहडोल हवाई अड्डा है, सिंगरौली में बन चुका है, तो उसको भी हम लोग चालू करने की स्थिति में है। सतना का भी हवाई अड्डा हमारा निर्मित होता है, हमने रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है। तो मैं मानता हूँ कि जितना इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी थी वो तो सारे काम हम लोगों ने किया। ये है सतना से लोकप्रिय सांसद गणेश सिंह जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में सतना लोकसभा से उतारा है। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV।